से आ गई नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो सबसे पहले तो जिसने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाक से जाए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्योंकि और जिसने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी वो पहले मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखें, क्योंकि अगर आप प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखेंगे तो आपको सीक्वेंस समझ में नहीं आएगा, और आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको आगे की वीडियोज़ कैसे मिलेंगी। तो पहले तो ये काम खत्म करिए, ठीक। तो अब बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि HTML के टैग्स क्या होते हैं, हमारे HTML के एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर की थी। मैंने डिस्क्राइब किया था पूरा HTML की, HTML में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बेसिक मैंने HTML आपको लिख के बताया था, ठीक। तो जो हमारी अब वीडियो होगी उसमें हम बताएंगे कुछ लाइन एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये हम आज की पूरी वीडियो में कवर करेंगे कि हमारे इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं और हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक। तो टेंशन मत लीजिए, हम आपको पूरा रन करके दिखाएंगे, पूरा आउटपुट दिखाएंगे कि किस तरह से वो दिखता है, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। हाँ, अगर हम कहीं पर ऐसा लग रहा है कि हम कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं या फिर कोई चीज़ हम नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या आपको इशू हो रहा है समझने में, तो आप मुझे तुरंत रिकमेंड करिए, प्लीज़ 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 मुझे बताइए कि आपको वो चीज़ में समझने में इशू हो रहा है, तो वो उसके लिए फिर हम और ट्राई करेंगे और मेहनत करेंगे कि हम आपको किस तरह से ईजिली तरीके से आपको समझा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी टेंशन मत लीजिए, बाकी हम अपनी फुल ट्राई करते हैं कि आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें, ठीक। तो फिर चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं हम इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है HTML ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स, मीन्स HTML में कुछ हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और कुछ हमारे इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। तो आज हम इन दोनों टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनलाइन एलिमेंट के बारे में। अगर हम कोई भी कंटेंट इनलाइन एलिमेंट के अंदर लिखते हैं तो वो क्या करता है, सिर्फ उतना ही एरिया कवर करता है जितना कि हमारा कंटेंट होता है, मतलब कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं कवर करता या फुल विड्थ नहीं लेता। बस अगर मैंने लिखा हेलो तो वो उतना हेलो के एरिया ही कवर करेगा, ठीक है। इससे कोई हाइट विड्थ नहीं होती है, बस वो कंटेंट के अकॉर्डिंग चलता है, जितना कंटेंट होता है उतना ही वो एरिया कवर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम HTML इनलाइन एलिमेंट्स के नाम लिखते हैं कुछ, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं जो कि हम बेसिकली इनलाइन, अगर मुझे कंटेंट का उतना ही एरिया कवर करने के लिए कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम इन सारे एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं। और अगर आप बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं तो इसमें कुछ ही एलिमेंट्स आपको फ्रीक्वेंटली यूज़ उनका पड़ता है आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट दिए हुए हैं जिनका आप फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं बेसिकली, क्योंकि वो और फिर बाद में वो तो आपके डिज़ाइन पर डिपेंड करता है कि उसमें क्या क्या नीड है। तो जैसे कि हमारा एंकर टैग हो गया, बी टैग हो गया, बटन टैग हो गया, इमेज, इनपुट, लेबल, सेलेक्ट, स्पैन हम बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, स्ट्रांग हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया। तो ये सब क्या है कि आप स्टार्टिंग बेसिक लेवल पे स्टार्ट करेंगे तो भी आपको इन सब का यूज़ पड़ेगा ही, ठीक है। तो अब हम आते हैं ब्लॉक एलिमेंट पे। तो अगर हम कोई भी कंटेंट ब्लॉक एलिमेंट के अंदर लिखते हैं तो वो क्या करता है, पूरी लाइन कवर करता है हमारा पूरा विद, क्योंकि उसकी विद हमारी होती है 100%। तो अगर हम हेलो भी लिखेंगे बट तब भी वो स्क्रीन के जितना भी हमारा मेन रैपर होगा उसकी विद तक पूरा, स्टार्टिंग टू एंड तक पूरा एरिया कवर करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग अगर कोई भी कंटेंट हमें, और फिर अगर हम दूसरा कोई भी कंटेंट लेंगे तो दूसरी लाइन में आएगा, उसी के बगल से स्टार्ट नहीं होगा, वो हमारा हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ पे हम कुछ HTML ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम लिखते हैं, जैसे कि ये कुछ हमारे लिखे हुए हैं स्क्रीन पे, ये हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स के, तो ये सारे ब्लॉक एलिमेंट्स हैं हमारे। बट इसके साथ भी सेम है कि इसमें हम स्टार्टिंग लेवल पे जब हम स्टार्ट करते हैं तो सारे नहीं यूज़ करते हैं, तो इसमें से कुछ ही हैं जो फ्रीक्वेंट बेसिस पे आपको यूज़ जिनका पड़ेगा। जैसे कि डिव हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कोई भी रैपर लेना हो तो हम हमेशा डिव के अंदर ही सारी चीज़ें रखते हैं। सेक्शन हम सेक्शन डिवाइड करने के लिए लेते हैं कि हमारा पहला हमारा बैनर सेक्शन हो गया, दूसरा हमारा कंटेंट इमेज सेक्शन हो गया, तो सेक्शन लेते हैं उसके अंदर सारे डिव जो है हम रैप करते हैं अंदर, ठीक। हेडिंग हो गया H1 से H6 तो हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, पैराग्राफ हो गया हमारा, OL हो गया, UL हो गया तो ये हम लोग लिस्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, हेडर हो गया हेडर के लिए, LI हमारा लिस्ट एलिमेंट, फॉर्म यूज़ करते हैं, नेविगेशन के लिए नैव यूज़ करते हैं। तो ये सारे हमारे
बेसिक हैं जो हम लोग फ्रीक्वेंट बेसिस पे यूज़ करते हैं, और बाकी ये सारे दिए हुए हैं जो कि आपके अब डिज़ाइन पे डिपेंड करता है बाद में आप कितना एक्सप्लोर करते हैं, कितना चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक, तो बेसिकली अभी हम दो इसलिए बता रहे हैं डिस्प्ले की प्रॉपर्टी इनलाइन और ब्लॉक, क्योंकि अभी हम HTML सेक्शन कवर कर रहे हैं। तो HTML में तो इसीलिए हमारे दो ही एलिमेंट होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट होते हैं और इनलाइन एलिमेंट होता है। ठीक है, बाकी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी बहुत होती है जो कि हम CSS पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अभी आप दो ही प्रॉपर्टी जानिए, डिस्प्ले हमारा एक इनलाइन एलिमेंट होता है और एक ब्लॉक एलिमेंट होता है HTML में। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, आपको सबलाइम में करके दिखा देते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए अब हम सबलाइम ओपन कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं लाइव सबलाइम पे करके कि इनलाइन और ब्लॉक में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो प्रैक्टिस वन मैंने पहले बना रखा था, अब मैं बना लेती हूँ यहीं पे दूसरा एक फोल्डर सेपरेट हो जाए जिसमें प्रैक्टिस टू। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिस टू बन गया। अब हम आते हैं सबलाइम पे, अब हम क्या करेंगे एज यूजुअल यहाँ पे न्यू फाइल कंट्रोल एस इंडेक्स डॉट HTML। ठीक, अब यहाँ पे हमारी फाइल क्रिएट हो गई। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बेसिक HTML पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे मैंने टैब प्रेस किया एंटर कर दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे फिर ब्लॉक का दिखाते हैं आपको कि ब्लॉक एलिमेंट कैसे दिखता है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा कमेंट डाल लेते हैं ब्लॉक, जिसमें आपको पता चल जाए कि इसका कोड कहाँ पे है। एलिमेंट कंट्रोल दबा के बैक स्पेस स्लैश वाली सॉरी, फिर उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे एंड कंट्रोल स्लैश। ठीक, अब हम इसके अंदर हम जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग div बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो अब हम यहाँ पे div लेते हैं। ठीक, मैंने div लिया, div का क्लोजिंग div हमारा क्लोज हो गया। अब हम इसके अंदर लिख लेते हैं हेलो। ठीक, सेम कंटेंट हम दोनों में लिखेंगे। अब हम यहाँ पे काम करते हैं बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हमारा डिफरेंस दोनों में है क्या। ठीक, बैकग्राउंड कलर रेड ले लेते हैं हम बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम इसको करते हैं रन, पहले तो यहाँ पे आए। ठीक, दिख गया आपको ना। अब यहाँ पे मेरा ZAMP ओपन ही है, तो अब हम यहाँ पे इसको htdoc से हटा के क्या कर देंगे, आई थिंक याद होगा आपको, लोकल होस्ट, करेक्ट, एंटर। ठीक, अब देख रहे हैं ये हमारा, मैंने हेलो इतना ही लिखा, बट वो कहाँ तक ले रहा है, पूरा जितनी हमारी स्क्रीन है एंड तक ले रहा है। ठीक, इसमें देखो पर्टिकुलर एक स्पेस ही आ रही, जितना एक हमारा कंटेंट होता है ना, एक ब्लॉक लाइन हाइट वगैरह सब कवर कर रहा है। अब हम यही सेम चीज़ हम लिखते हैं यहाँ पे एक इनलाइन एलिमेंट। ठीक, कंट्रोल बैकस्पेस एंड कंट्रोल बैकस्पेस। ठीक, अब हम यहाँ पे लिखते हैं स्पैन लेते हैं, स्पैन हम लोग बेसिकली इनलाइन एलिमेंट होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये करेंगे आ गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो। ठीक, सेम कंटेंट मैंने यहाँ लिखा, अब इसका ही स्टाइल कॉपी कर लेते हैं, जो कि हम लोग के सबसे ज़्यादा आदत होती है कहीं से कॉपी पेस्ट करना। ठीक है, अब हम इसको रिफ्रेश करके रन करके दिखाते हैं आपको कि किस तरह से दिख रहा है। ओहो, ये बहुत ज़्यादा हमारा चिपक के आ गया। देखो, ये इसका देख लो और इसका देख लो, को बीच में मैं स्पेस कर देती हूँ ज़रा। यहाँ पे मैं दो br टैग, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्पेस के लिए यूज़ होता है, तो मैंने एक br यूज़ किया, दो br यूज़ कर लेते हैं, जिसमें आपको डिफरेंस पता चल जाए दोनों में कि है क्या, क्रोम कहाँ गया। ठीक, देख रहे हैं यही सेम चीज़ मैंने इसमें लिखा, इसमें कोई स्पेस नहीं आ रही है, कोई भी कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। ब्लॉक एलिमेंट हमारा क्या करता है, पूरा विद 100% तक लेता है, वही इनलाइन एलिमेंट हमारा सिर्फ जितना हम कंटेंट लिखेंगे उतना ही बढ़ेगा। अगर हम कोई और स्पैन यहाँ लगा देंगे तो वो जस्ट बगल से शुरू होगा इसके। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये हमने सेम कंटेंट इसमें भी लिखा है, सेम कंटेंट इसमें भी लिखा है। ठीक है, तो होपफुली गाइस आप सबको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करिए, सजेस्ट करिए कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, ऐसे कनेक्ट रहें, सब्सक्राइब रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी।